ऐसा मत सोचिए कि हम पहले ये चैप्टर पढ़ लिए हैं तो ये नहीं पढ़ेंगे। अरे बाबू, किसी भी चीज को रिवाइजिंग करते रहिए। घमंड इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा ये काम नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं तो अब नहीं पढ़ेंगे, गलत बात है। एक छोटा सा कहानी मैं बता रहा हूँ। एक व्यापारी था, उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। एक गधा और घोड़ा था, वो घोड़े में ज्यादा पैसा लगाया था, इस कारण से घोड़े का मानदान करता था लेकिन गधे का मानदान नहीं करता था, और वो सामान बेचने का काम एक गाँव से दूसरे गाँव करने का काम करता था। एक दिन क्या होता है कि गधे पर ढेर सारा सामान लाद दिया, घोड़ा पर बैठ गया, यानी व्यापारी घोड़े पर बैठकर काम करता था, घोड़े पर बैठकर आने जाने का काम करता था, और गधे पर हमेशा सामान लादकर ज्यादा काम करता था। जबकि गधे को खाना भी नहीं खिलाता था, गधावा को खाना नहीं खिलाता था ज्यादा, घोड़ा को खाना खिलाता था ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण से गधावा पतला दुबला हो गया। एक दिन क्या हुआ ना, ज्यादा सामान लाद कर उसको व्यापार करने के लिए जाना था दूसरे गाँव में, और वो जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता उबड़ खाबड़ था। संयोग से क्या होता है ना, गधे पर ज्यादा सामान लदा गया रहता है, वो जाते जाते गधा का पैर दुख जाता है। गधावा घोड़वा से कहता है कि काम करो ना, थोड़ा सा हमारा सामान उतार कर तुम ले लो, थोड़ा सा हमारा सामान उतार कर तुम अपने कंधे पर ले लो। तो घोड़वा बोलता है कि यहाँ हमारा ये काम नहीं है सामान ले जाने लाने का, मेरा मेन काम है वो बैठ का आने जाने का, बस मेरा यही काम है। ये कौन बोलता है? गधावा कहता है, भले घोड़वा कहता है कि मेरा काम है सामान ले जाने का, भले आदमी को ढोने का काम है, और गधा का काम क्या था? वो बोझा लाने का, सामान ले जाने का, ढोकर। तो यहाँ पर घोड़वा तीज बनता है। घोड़वा क्या होता है यहाँ पर? तीज बनता है। क्या बनता है? वो कहता है कि देखो, मेरा ये काम नहीं है कि हम सामान वो तुम्हारा सामान लेकर अपने पीठ पर लाद ले। ऐसा कौन कहता है? घोड़वा कहता है। तो घोड़वा के अंदर अहंकार रहता है। अब देखो क्या होता है, संयोग से चलते चलते गधावा का पैर टूट जाता है। अब मालिक भाई सोचने लगता है कि हमको बाजार नहीं जाएंगे, व्यापार करने दिक्कत हो जाएगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। अब यहाँ से मालिक दिमाग लगाता है, गधावा का जितना सामान रहता है ना उठाकर लाद देता है घोड़वा पर। उसके बाद जो गधावा मरा रहता है उसको भी लाद देता है घोड़वा पर। उसके बाद आदमियों बैठ जाता है, जो व्यापारी था वो भी घोड़े पर बैठ जाता है। देखिए यहाँ पर अब घोड़ा अफसोस कर रहा है कि काश मैं उस समय उसका थोड़ा सा सामान ले लिया रहता ना तो आज मुझे इतना दिक्कत नहीं होता। कैसे? देखो, पहले घोड़ा नकार दिया कि मैं तुम्हारा कोई भी सामान नहीं लेने वाला हूँ, मेरा ये काम नहीं है। बाद में उसको अफसोस इसलिए होता है क्योंकि सारा सामान गधा का उसी पर लदा जाता है, घोड़े पर। सामान तो लदे भी करता है, गधावा जो पैर टूट गया उसको भी लाद दिया जाता है, मलिको चढ़ जाता है, तीन तीन को लोड पड़ जाता है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि ये मत सोचिए कि मुझे इतना आती है, हमारे अहंकार है, ये गलत बात है। जितना है उतना का उपयोग करो, अहंकार इंसान को नाश कर देता है। रावण का घमंड रावे ने किया, तो हम लोग तो इंसान है, सिंपल सा इंसान है, कभी टिक नहीं सकती है घमंड। पढ़ना सीखो, समझ में, इसको पढ़ो, लिखो, रिविजन करो बार बार, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए लाई जाती है। जब तक आप इसको नहीं पढ़िएगा लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।